सब्सक्राइब कर दो हमारा यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस और दबा दो इस बेल आइकन को लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। अभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल में बहुत स्वागत है गाइस। आप में से बहुत सारे बच्चों ने न्यूज़ सुनी ली होगी कि कोविड के केसेस राइज हो रहे हैं, कई जगह पर मास्क कंपलसरी कर दिया है और तरह तरह की न्यूज़ सोशल मीडिया पर चली रही है। तो आप में से बहुत सारे बच्चों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो सकते हैं या पोस्टपोन हो सकते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम भी फरवरी के अंदर स्टार्ट हो रहे हैं, 15-20 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। पहले एडिशनल है, फिर मेन सब्जेक्ट स्टार्ट हो गए, डेटशीट आ गई, आप सभी ने देख ही ली होगी। तो हर एक बच्चे के मन में क्वेश्चन है कि कोविड वापस आ गया है तो क्या बोर्ड एग्जाम कैंसिल या पोस्टपोन होने के चांसेस है। तो गाइस इस वीडियो में प्रॉपर बात करेंगे इसी टॉपिक पे, बट वीडियो की स्टार्टिंग के अंदर ये बुक बहुत सारे बच्चों ने अभी इस ईयर की सबसे ज़्यादा एक मंथ में बिकने वाली बुक कही है। इस बुक में ऐसा क्या है, क्लास टेंथ की प्रैक्टिस पेपर बुक है मैथ के लिए, मैथ स्टैंडर्ड के लिए, सेम बेसिक के लिए बुक अवेलेबल है, सारे सब्जेक्ट के लिए आपकी बुक अवेलेबल है। इस बुक की प्राइस बहुत रीजनेबल है, इस बुक को खरीदो, प्रैक्टिस करो और गारंटी दे रहा हूँ बोर्ड एग्जाम के अंदर आपके आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो मार्क्स उससे ज़्यादा ही आएंगे। इस बुक के बाहर पेपर में कुछ भी नहीं आएगा। प्रैक्टिस करने के लिए बेस्ट बुक है प्रैक्टिस बुक्स ओसवाल गुरुकुल की बुक है ये, आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप खरीद लेना। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि पेड प्रमोशन है, देखो यार पेड प्रमोशन करता तो बहुत सारी बुक्स का करता, सिर्फ एक का नहीं करता। तो एक ही बुक हर बार रेफर कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि बुक का कंटेंट बहुत अच्छा है। मेरे आसपास के जितने भी स्कूल्स है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर जितने भी बोर्ड क्लासेस के बच्चे क्लास टेंथ ट्वेल्थ के, हर एक बच्चा यही बुक खरीद रहा है। क्लास टेंथ के लिए भी सेम बुक अवेलेबल है, सेम बुक क्लास ट्वेल्थ के लिए अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में खरीद लेना। अब बात करते हैं आपके टॉपिक के ऊपर कि क्या कोई चांस है बोर्ड एग्जाम कैंसिल होने के। सच बताऊँ, एकदम सच, कोई चांस नहीं है। इसके पीछे रीज़न है, इलेक्शन है इस साल 2024 के अंदर, इलेक्शन आपको पता ही है, साथ में एग्ज़ाम बहुत जल्दी स्टार्ट हो रहे हैं आपके, फरवरी के अंदर आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। अगर ऐसा कुछ होना भी होगा तो वो बाद में होगा, मार्च दिसंबर के अंदर, मतलब मार्च के एंडिंग से अगर ऐसा कुछ हो, जब भी आपको याद है लॉकडाउन जब भी हुआ है वो मार्च के अप्रैल के अंदर हुआ है, और 99% कोई चांस नहीं है लॉकडाउन वगैरह के बारे में सोचने का भी, क्योंकि हमारी कंट्री अब रेडी है इसके खिलाफ, कोविड के खिलाफ हमारी कंट्री प्रॉपरली रेडी है, सब वैक्सीनेटेड हो रखे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हमारे पास सारी मेडिकल फैसिलिटी है, प्रॉपर हर चीज़ की फैसिलिटी हमारी कंट्री रेडी है, तो हमें लॉकडाउन जैसी सिचुएशन का कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। तो इतना ही बोलूँगा, अगर केसेस राइज हो गए तो हमारे लिए बस मेनली जो गवर्नमेंट वो मास्क कंपलसरी कर देगा और कुछ भी आप सभी को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बोर्ड एग्जाम कैंसिल होने कोई चांस नहीं, ना ही पोस्टपोन होने के। और एक गाइस आपको बात बताता हूँ कि कोविड इंक्रीज होने का सबसे बड़ा रीज़न है क्लाइमेट, और जो थोड़ी सी सोशल गैदरिंग बढ़ रही है उसकी वजह से ही कोविड बढ़ रहा है। आप सभी को पता ही है कि अभी विंटर का महीना चल रहा है, तो विंटर के अंदर मौसम चेंज हो रहा है तो काफ़ी सारे कोविड के पेशेंट बढ़ते हैं। दूसरी बात, अब आपको बताइए कि ये ईयर एंडिंग है तो आप सभी को पता है न्यू ईयर सेलिब्रेशन बहुत जगह पर चल रही है, और साथ में विंटर वैकेशन भी, तो बहुत सारे लोग घूमने जा रहे हैं, तो सोशल गैदरिंग बढ़ रही है जिससे थोड़ा बहुत केसेस राइज हो रहे हैं, लेकिन कोई खास इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। हर साल ईयर एंडिंग में ऐसा होता है। तो आप सभी को इतना बोलूँगा कि स्टडी पे पूरा दम लगा दो, आपके प्री बोर्ड है तो प्री बोर्ड पे फोकस करो, कोई भी बोर्ड एग्जाम कैंसिल होने का चांस नहीं है। बाकी आपको इस तरीके कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके बता सकते हो, बाकी जल्द मुलाकात करेंगे। वीडियोस ऑन डिमांड होती है, कोई न्यूज आएगी तभी आएगी हमारे चैनल में वीडियो, जो हमारे चैनल प्रॉपरली सिर्फ अपडेट देता है। तो कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर सकते हो, बाकी जल्द मुलाकात करेंगे दूसरी वीडियो, तब तक देखते हमारे चैनल जीपी एडवाइस को। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, क्यों कष्ट हो रहा है आपको, अगर अच्छी लगी मार दीजिए।